स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक रिव्यू लेने वाले हैं सुमोटोमो केमिकल्स के स्टॉक का और एनालिसिस भी करेंगे 30 मिनट का चार्ट और डेली चार्ट को। आज का डेट है 24 सितंबर 2020 और जैसे कि हम देख पा रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ओपन हुआ था 298 पर और इसने एक लो प्राइस पे ट्रेड किया 295.70 के और 309.10 पर ये स्टॉक ने एक हाई प्राइस भी लगाया। लास्ट ट्रेडिंग में ये स्टॉक 304.95 पे क्लोज हुआ है और चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑन द बेस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये स्टॉक का हमने एनालिसिस किया था, बहुत पहले भी हमने एनालिसिस किया था जब 272 के आसपास था और हमने कहा था कि अगर हम इसे 272 पे खरीद लेते तो ये अच्छा एक दिवाली पिक्स भी स्टॉक था और है अभी भी, उसमें कोई शक नहीं है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सितंबर 23 का जो हमने वीडियो अपलोड किया था 22 सितंबर को, और तब हमने 23 को कहा था कि इसको बाय करके होल्ड करना है, टारगेट रहेगा 330 का। तो चलिए उसी का रिव्यू भी ले लेते हैं कि क्या हमारे जो एक्सपेक्टेड जो मूविंग्स है उस मूव के तरफ से, उस डायरेक्शन के तरफ क्या ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं ये सुमिटोमो केमिकल्स का 30 मिनट का चार्ट है और 30 मिनट के चार्ट में जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक ने यहाँ पर एक उसे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं था और स्टॉक अभी भी अपने हाई प्राइस पे अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए हमने इसे दिवाली पिक स्टॉक कहा था कि दिवाली तक हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने 307 का ये जो एक रेजिस्टेंस था वो तोड़ के उसके ऊपर ऑन 30 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो स्टॉक का प्राइस अगर आपको इस 30 मिनट के चार्ट के डिमांड जोन में अगर मिल जाता है, जो कि डिमांड जोन 292 से लेकर 286 तक अगर मिलता है तो बाय कर लीजिए और होल्ड कर लीजिए दिवाली तक। अगर हम अपने टारगेट की बात करें, जैसे कि हमने ये जो वीडियो अपलोड किया था और उसमें कहा था, और यहाँ पर अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो हमने 3 या 4 डेज का जो ट्रेडिंग सेशन है उसका टारगेट दिया था 330 का। तो अब चलते हैं हम डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर भी देख लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन हो रहा है ऑन द डिमांड एंड सप्लाई बेस पे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव लगाया था हाई, और ये जो एक रेजिस्टेंस था 316 पे, तो इस हाई के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक का प्राइस नीचे आया। और नीचे यहाँ पर देखिए एक डिमांड जोन एग्जिस्ट हुआ करता था जो कि 264 से 260 का था, और हम देख पा रहे हैं स्टॉक ने इस डिमांड जोन का सपोर्ट लिया 1, 2, 3, 4 ट्रेडिंग सेशन तक, यहाँ पर भी एक बार लिया 6 ट्रेडिंग सेशन तक, और जब जब ये स्टॉक का प्राइस डिमांड जोन में आया तो उसे एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये जो एक कैंडल बना ऑन अ डेली बेसिस पे, इसने इस डिमांड जोन को पूरी तरह से तोड़ दिया इसके अंदर क्लोजिंग देके, लेकिन इसी कैंडल के साथ में यहाँ पर एक नया फ्रेश एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ जिसके चलते स्टॉक के प्राइस ने एक अच्छा खासा रैली यहाँ पर दिखाया है। जब स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई प्राइस के पास में था तो यहाँ पर देखिए ऑन अ डेली बेसिस पे भी उसने एक डिमांड जोन क्रिएट किया जहां पर वो बहुत दिनों से एक ट्रेड कर रहा था, एक कंसोलिडेटेड ट्रेड हो रहा था, प्राइस वहां से नीचे आ रहा था। और यहाँ पर जब ऑन अ डेली बेसिस पे डिमांड जोन बना जो डेट था 17 का और हमने 23 को आपको बताया था, 17, 18, 19 और ये है 22, सॉरी हाँ 23 को जहां तक हमने बताया था आपको, ट्वेंटी टू शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। ओके
तो ये वो वीडियो है September 22 का, जो 21 को हमने अपलोड किया था, और 22 में हमने बता दिया था कि 294 से 292 अगर मिलता है तो। यहाँ पर देखिए वीडियो में हमने किसी भी तरह का स्टॉप लॉस का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, बाय एंड होल्ड का हमने ये बताया था 294 से 292 तक बाय और होल्ड करने के लिए बताया था 22। और 22 को आप देख पा रहे हैं स्टॉक का प्राइस किस तरीके से गिरा, और हमने आपको जो बाइंग करने के लिए कहा था वो इस डिमांड जोन में बाय करने के लिए कहा था 292 से 293 तक। और ये तो बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी थी कि ये ऑन अ 30 मिनट का जो डिमांड जोन है उसको ब्रेक करते हुए नीचे ऑन अ डेली डिमांड जोन पे आया। और जैसे कि हम कल का ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं उसमें ये जो प्राइस है इसने अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। और आज के अगर हम टारगेट की बात करें तो आज 317 का टारगेट ये कंप्लीट करने वाला है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमने 330 का जो टारगेट दिया है वो भी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 2 से 3 या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन तक उसके ऊपर 330 के भी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला था। तो ये था डिमांड ओवर सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।